जो मेरे भाई ने भी बताया, आप वहां से आते हैं। इससे पहले हमारे घटवार साहब ने बताया और बहुत सारे लोगों ने। असल बात यह है कि इस वक्त इंसानियत के नाते जो वाकया हुई है उसकी इंक्वायरी की सख्त जरूरत है कि इसके पीछे कौन है। मैं लालू जी से 100% मुत्तफिक हूँ। आडवाणी जी हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे सामने आए हुए हैं। उनको कम से कम इस मामले को बांग्लादेशी कहके पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये बड़ा इंसाफ का नाइंसाफी की बात है। वहां जो लोग आए हुए हैं बंगाली बोलने वाले, अनडिवाइडेड इंडिया के बंगाल के लोगों को असम में लाया गया, बिहार के लोगों को लाया गया, दूसरे लोगों को लाया गया, मुख्तलिफ कामों के लिए लाया गया। अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूं, अगर वो अनडिवाइडेड बंगाल के लोग आने वाले आज भी बांग्लादेशी है तो आडवाणी जी हमारे, इनके अगर पुरखों की हम बात करें, इनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमें पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं कहना चाहता। बैठिए बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए। प्लीज कीप क्वाइट। एक हिंदुस्तान का एक अंडरस्टैंडिंग है, हिंदुस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। 1971 25 मार्च को जो एग्रीमेंट हुआ, राजीव जी का एग्रीमेंट हुआ, उसके हिसाब से नेशनल और बाहर के लोगों का फैसला हो चुका। अब वो बातों को दोहराना, इन चीजों को हवा देना, सर शांत ये बीजेपी, सर मुझे कहने दीजिए, इन पर चिल्लाने दीजिए, ये कम्युनल फर्ज है। इन्हीं लोगों ने वहां फसाद कराया, मुसलमानों के घरों में निशान लगाया, हिंदू के घरों में निशान लगाया और चुन चुन के उनके घरों को चलाया गया। लाखों बच्चे आज सर पता नहीं कितने हजार बच्चे मर जाएंगे, कितनी बच्चों की औरतें जो है वो प्रेग्नेंट है। आज वहां दवाएं नहीं है, ये उसकी बातें नहीं करते, ये इंसानियत की बातें नहीं करते, ये समझते हैं इस किस्म की बातें करके ये अपना वोट बढ़ाएंगे। ये इन चीजों में इंसानियत की बात करे, इंसान ऊपर वाला खुश होगा तो इनका भी कुछ भला होगा। वहां इंसानियत की बात करे, उन लोगों को बसाने की बात करे, उन लोगों के रिहैबिलिटेशन की बात करे, उनके रिलीफ की बात करे, उनके मेडिसिन की बात करे, उनको वहां पहुंचाने की बात करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करे कि वो इस मामले में बंदूकधारी जो लोग हैं सर उसी वक्त में ये सारा मामला आडवाणी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 में ये एग्रीमेंट इन्होंने कराया, बीटीसी का एग्रीमेंट इन्होंने कराया, उसमें 70% नॉन बोनस के लोगों को इन्होंने कोई राइट नहीं दिया, 30% लोगों को पूरी राइट दी और पूरी हुकूमत बनाने का, और उसकी वजह से आज ये सारे मामला हो रहे। जब तक के सर इस मसले का स्थायी समाधान नहीं होगा, ये मामले होते रहेंगे और ये जाके बांग्लादेशी कहते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।